हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। वेरियस टाइप ऑफ ट्रेट्स से लेकर के कोविड 19 की टेस्टिंग किट तक, ट्रीटमेंट की इन्वेंशन से लेकर के डिजीजेस के सर्वेलेंस तक, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को। और इसी फील्ड के एक कन्वेंशनल कोर्स दैट इज BSc इन बायोटेक्नोलॉजी के जानेंगे वो सारे एंगल्स इस वीडियो के माध्यम से, जो कैरियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉस एंड कॉन्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट, जो कि इस वीडियो के एंड में है। इसलिए प्लीज बने रहिएगा अंत तक। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वुड लाइक टू मेंशन अबाउट साक्षी सरकार फॉर हर वैल्यूएबल कमेंट ऑन दिस। लेट्स बिगिन। तो कोर्स हाइलाइट्स फटाफट 10 की पॉइंट्स में। नंबर वन, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आप सीखते हैं कि कैसे मैनकाइंड के लिए यूजफुल और नेसेसरी प्रोडक्ट्स आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं। सिंपली द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग बायोलॉजी। नंबर दो, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स भारत में आप डिस्टेंस मोड, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम तीनों ही मोड से कर सकते हैं। नंबर तीन, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए दोनों ही मोड्स एंड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, दैट इज प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें कि कुछ प्रमुख हैं DUET दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, KCET दैट इज कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, KIITEE दैट इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में HSC के मेरिट मार्क्स के आधार के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। नंबर चार, भारत में BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स परस्यू करने के लिए कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, फर्ग्यूसन कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, JSS कॉलेज ऑफ मैसूर इत्यादि। नंबर पांच, BSc इन टेक्नोलॉजी कोर्स की फीस भारत में वेरी करती है फ्रॉम 50,000 to 2 lakh पर एनम। नंबर छह, पूरे 3 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के स्पेन में आपको 6-6 सेमेस्टर पैटर्न में पढ़ना होगा, मतलब BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का को कोर्स है वो सेमेस्टर पैटर्न में बना हुआ है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, इस हिसाब से आपको टोटल 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। नंबर सात, हर सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको कुल मिलाकर के आपको 30 सब्जेक्ट्स पूरे 3 साल में पढ़ने होंगे। नंबर आठ, जो प्रमुख सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रमुख एरियाज हैं, दैट इज द बायोफिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सेल डायनामिक्स एंड स्ट्रक्चर, बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स इत्यादि। नंबर नौ, भारत में पत्राचार के माध्यम से BSc इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को परस्यू करने के लिए कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि कोट्टायम में स्थित है, शोभित यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में स्थित है। नंबर 10, भारत में वर्तमान में 800 से ज्यादा वैलिड कॉलेजेस BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स ऑफर करते हैं। और दूसरी एक बात यह भी है कि BSc इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को आप अब्रॉड, दैट इज US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्रीज से भी कर सकते हैं। एडमिशन लेने के पहले आपको कुछ ये प्रमुख बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप किसी निजी संस्था यानी कि प्राइवेट कॉलेज से BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वहां की आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज UGC के एक्ट 1956 से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये बहुत ही इजी है, आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने टारगेट इंस्टीट्यूट का नाम चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक देख रखा है, आप चेक कर सकते हैं। नंबर दो की, अगर आप ये किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो भी वो खुद UGC एक्ट 1956 के द्वारा मानित होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि भारत में इंस्टीट्यूट्स के उच्च दर्जे की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी है, दैट इज NAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो जिस भी किसी टारगेटेड इंस्टीट्यूट में ये कोर्स करने के लिए आपने सोचा है, तो अगर वो NAC से अप्रूव्ड है या NAC से एक्रीडेटेड है, तो बिना किसी चिंता के आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, वो सारी तरह से मान्य होगा। यहाँ पे एक बात काफ़ी अच्छी ऐड हो गई कि अगर BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो बेहतर ही होगा कि NAC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप करें। नाउ फोर इंपॉर्टेंट फटाफट कैरियर की हाइलाइट्स। नंबर वन, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद आप 6 से भी ज़्यादा डोमेन में अलग अलग तरह की जॉब रोल्स कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं, जैसे कि बायोटेक एनालिस्ट, बायोकेमिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन या फिर एकेडमिक्स। नंबर दो, इन सभी डोमेन्स में वेरी के हिसाब से, लेवल के हिसाब से,
जो एंट्री लेवल मिनिमम सैलरी है वेरी करती है फ्रॉम रेंज करती है फ्रॉम 2 लाख पर एनम टू 5 लाख पर एनम जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। नंबर 3, भारत में जितनी भी डोमेन्स में जो टॉप रिक्रूटर्स हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अपनी आप जॉब को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें नेशनल लेबोरेटरी जैसे कि ICMR, CSIR या फिर जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज हैं उसमें सिंजीन, नोवो नॉर्डिस्क, TCS इत्यादि। और नंबर 4, दैट इज द कोर्स एक्सट्रापोलेशन या फिर कोर्स प्रोजेक्शन। BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं और एब्रॉड कंट्रीज या फिर भारत में भी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम जैसे भी करके अपने कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। अब आते हैं प्रोस एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला है डिजायर्ड रिक्वायरमेंट। स्पेशली COVID-19 जैसी पेंडेमिक स्थितियां अब दुनिया में आती रहेंगी जिसका सामना हम सबको मिलकर के लड़के करना होगा, और ऐसे में हर वो सेक्टर जो कि हेल्थ केयर से जुड़ा हो या फिर ऐसी परिस्थिति से लड़ने के लिए जुड़ा हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, वो डिजायर्ड रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा। और हर वो व्यक्ति जो इस क्षेत्र से आता है उस पर फोकस रहेगा क्योंकि पूरा विश्व इन सभी सेक्टर्स को मजबूत बनाने में लगा हुआ है, तो आपको काफी अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। नंबर 2 इज राइजिंग द नेशन। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट की कहावत थी कि एवरी रिसर्चर्स शुड फोकस ऑन पेटेंटिंग द रिसर्च रादर देन जस्ट मियर पब्लिशिंग। जो भी आप अपनी शोध करते हैं, कार्य करते हैं, उसको पेटेंट करने की प्रयास करें सिवाय सिर्फ उसे पब्लिश करने के। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध कार्य के माध्यम से नई नई खोज करके आपको बेहद प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसको कि पेटेंट करा के आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, जो कि एक गौरव की बात है। नंबर 3 इज सोफिस्टिकेशन सेटिस्फैक्शन। अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करने के लिए जिस जॉब प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे वहां पर आपको एक सोफिस्टिकेशन महसूस होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। वर्किंग इन अ लैब विथ अ मोटिव टू सर्व द मैनकाइंड इज इटसेल्फ अ नोबल जॉब, वो अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन की बात होती है। नंबर 4 इज एक्सप्लोरेशन। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में शोध कार्यों के माध्यम से दुनिया भर के शोधकर्ता यानी कि साइंटिस्ट के साथ जुड़ करके काम करना काफी आसान हो जाता है इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। और इस माध्यम से, इस जरिए से आपको अपने करियर का एक अमेजिंग एंगल एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आते हैं कौन से यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला है दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। समाज में, सोसाइटी में, रिक्रूटर्स की नजर में टेक्निकल कोर्स का एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही लेवल होता है जो कि नॉन टेक्निकल कोर्स का उतना नहीं होता, और इस हिसाब से टेक्निकल कोर्स का लेवल स्लाइड थोड़ा ऊपर ही होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इतने विगत इतने वर्षों से BSc इन बायोटेक्निक टेक्नोलॉजी का कोर्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है तो फिर BTech इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है? आप ये दोनों ही कोर्स, दैट इज BSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड BTech इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स करिकुलम को ध्यान से समझेंगे तो बेसिक कुछ छोटे से इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स को छोड़कर के इनका कोर्स करिकुलम पूरी तरह से सिमिलर है, कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, फीस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। BTech बहुत महंगा होता है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी की तुलना में, बहुत महंगा होता है, तो बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर BTech इन बायोटेक्नोलॉजी को क्यों लॉन्च किया गया? दृष्टिकोण, 4-year टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, एक अलग ही चार। तो ऐसे में BSc इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। नंबर 2 इज स्पेसिफिसिटी। BSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स परस्यू करने, कंप्लीट करने के बाद जितने भी डोमेन अभी जो मैंने कैरियर सेक्शन में बताए, जब आप वहां पर जाएंगे तो उन सभी डोमेन में आज की डेट में स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल हैं। कहने का मतलब BSc इन जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, BTech इन बायो जेनेटिक्स, BSc इन एपिडेमियोलॉजी,
बीएससी इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन मरीन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी, तो एक स्पेसिफिक हो गया। तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी प्लेन है। तो ऐसे में जब आप इस पर्टिकुलर डोमेन में जाएंगे और वहां पर आपके कंपटीशन में पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट स्पेसिफिक कोर्स करके आया है, तो डेफिनेटली ही और शी विल बी प्रेफर्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू यू, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। नंबर थ्री इज सैचुरेशन। सभी डोमेन्स में जिसमें कि मैंने अभी बताया, उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आज की डेट पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, टन्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं। किसी के स्पेसिफिक कोर्स का सीवी है, किसी के प्लेन बीएससी का सीवी है, बहुत वेरिड होता है। ऐसे में जो रिक्रूटर्स हैं वो एक फिल्टर बैरियर लगा देते हैं एजुकेशन का, आपके पोटेंशियल्स का, बहुत सारी चीज़ों का, और ऐसे में उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ प्लेन बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। अगर आपने मास्टर्स किया है, आपने पीएचडी करी है, आपने पेटेंट्स कितने हैं इत्यादि इत्यादि, तब जाकर के कहीं आपके क्यूरिकुलम वीटे को वेटेज दिया जाएगा। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये कोर्स आपको करना चाहिए या नहीं, इस सवाल का उत्तर बड़ा ही आसान है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आपका इमेंस इंटरेस्ट है, इमेंस पैशन है, मेरे कहने का मतलब कि आपने सिलेबस को पूरा ओवरव्यू करके केयरफुली एग्जामिन कर लिया, एसेस कर लिया है, और आपके अंदर वो डिजायर, वो पैशन, वो जुनून जाग रहा है कि हाँ जेनेटिक्स में मुझे बहुत मजा आएगा, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को खेलने पर बहुत मजा आएगा, ये पैशन रहेगा, तो डेफिनेटली इस कोर्स को करें। इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर इस बात को सोचे कि जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि आपका जुनून, आपका पैशन आपको उस जगह तक पहुंचा देगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर कि बीटेक वाले से सामना होगा या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट के साथ कंपटीशन होगा जिसने यूएस यूके कनाडा से बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करी हुई है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि हर फील्ड में अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इवन अगर किसी ने बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी यूएस से करी है तो भी मैं उसके कई कॉन्स गिना दूंगा। So, इस फैक्टर को मत रखिएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स का ही नतीजा है कि इस तरह की वीडियो आ पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल साक्षी के कमेंट ने मुझे चार्ज किया, मोटिवेट किया ये वीडियो लाने के लिए। बस प्रॉब्लम यह है कि वीडियो थोड़ी सी देरी हो जाती है, जैसे साक्षी ये वीडियो अब देख पाएंगी या नहीं, क्योंकि उनके कमेंट को काफ़ी टाइम हो गया और वीडियो अब आ रही है, लेकिन क्या करें, वीडियो बहुत सारी लाइन में होती है, टाइम तो लग ही जाता है। फिर भी थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट एंड फॉर बीइंग विद वीपी मंत्रा। तो गाइस इस वीडियो को विराम देंगे एक महत्वपूर्ण बात के साथ कि कैरियर एक मिशन की तरह होता है, और मिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन यू आर एट मिशन लेट एवरीथिंग एल्स वेट। एक पर्वतारोही को पर्वत पर चढ़ करके अपने राष्ट्र का ध्वज लहराना उसका मकसद होता है। जितना वो ध्वज लहराना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस पर्वत पर चढ़ने के रास्ते को तय करना। इसलिए जब आप अपने करियर पर होते हैं, जब अपने मिशन पर होते हैं, हर चीज को वेट करने दें। सो दैट्स ऑल, और आई होप कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज कर लें। एंड इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा को फॉलो करें, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक कर लें, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। So see you in the next video. Till then, stay motivated, work smarter, and good luck.